अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेजरिंग सिलेंडर्स. हमने पीछे पढ़ा है बेटा मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग सिलेंडर. बेटा देखिए, मेजरिंग सिलेंडर मेजर किसको करता है बेटा? ये वॉल्यूम को मेजर करता है. किसको मेजर करता है? वॉल्यूम को मेजर करता है. ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन तो यहाँ पे राइज होता है कि सर आपने मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे वो लेंथ को मेजर करते थे. ठीक है जी, वो लेंथ को मेजर करते थे. फिर आपने मेजर किया मास को, फिर आपने मेजर किया टाइम को. तो ये सब की सब क्या है, याद करो बच्चों, ये सब की सब क्या है? बेस क्वान्टिटीज़ हैं. तो हमने बेस क्वान्टिटीज को, यानी कि जो है ये सब की सब क्या बेस क्वान्टिटीज़ हैं. बेस क्वान्टिटीज किन किन से मेजर होती हैं, इनके यूनिट क्या है, हमने वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए. लेकिन वॉल्यूम बच्चों क्या है? वॉल्यूम एक ड्राइव क्वान्टिटी है. वॉल्यूम का फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट. किसी भी चीज़ की लेंथ को उसके ब्रेथ के से मल्टीप्लाई कर दें, उसके हाइट से मेजर कर दें, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है. ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था बच्चों. अब हम बच्चों ये करेंगे, ये मेरे पास एक मेजरिंग सिलेंडर बना हुआ है, इसके बारे में बाद में आऊँगा. ये बेटा होता किस तरह का है? ये ग्लास का बना हो सकता है, नंबर वन. नंबर टू, कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हो सकता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हो सकता है. अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या होता है कि अप टू ये कहाँ से कहाँ तक का होता है, 100 ml का भी मिल जाता है जी, ये से 250 ml का भी मिल जाता है. यानी कि 250 तक भी हम इस ml में, ml हम इसमें पानी डाल सकते हैं, और 100 ml भी कोई इसमें लिक्विड या कोई दूसरी चीज़ डाल सकते हैं. ये जो जो प्रॉपर शेप सॉलिड है बेटा, उनके तो फार्मूले होते हैं, हम उनके ज़रिए उनका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. लेकिन जो इरेगुलर शेप सॉलिड है, जैसे कि स्टोन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इरेगुलर शेप सॉलिड्स, जैसे कि स्टोन्स हो गया बेटा, पत्थर मैंने बना दिए यहाँ पे, इसकी क्या शेप है, कोई नहीं है. तो हम इसका भी मेजरमेंट, इसको बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर हम कर सकते हैं. देखो बेटा, मेजरिंग सिलेंडर में 1 लीटर, पहले मैं बता दूँ इसमें होता असल में क्या है, कि अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर, देखिए 1 kg, kg को मेजर करना बहुत आसान है. 7 स्टैंडर्ड चीज़ें पड़ी हुई, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स पड़े हुए हैं, हम उसके साथ इसको डालेंगे, हमें पता चल जाएगा. अगर मैं 1 kg वाटर को किसी सिलेंडर में डालता हूँ, ठीक है, और वो सिलेंडर की जो लेंथ है वो 10 cm होनी चाहिए, 10 cm, ठीक है, उसकी जो ब्रेथ है वो भी 10 cm होनी चाहिए, और उसकी हाइट है वो भी 10 cm होनी चाहिए. यानी कि अगर मैं 1 किलो पानी को रूम टेम्परेचर के अंदर एक ऐसे सिलेंडर में डालता हूँ जिसका लेंथ, लंबाई जिसकी 10 हो, उसकी चौड़ाई और लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो उसकी हो वो 10 हो, तो वो जो पानी कितनी जगह कवर करेगा, वो करेगा 100,000 cm³. ठीक हो गया, ये वॉल्यूम का यूनिट है. लेकिन सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया? 1 cm इसका, सेंटीमीटर इसका, सेंटीमीटर इसका, बेसिस सेम है, हमने मैथ्स में पढ़ा था, इंडेक्सेस में पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, जैसे कि a क्रॉस a विच इज़ इक्वल टू a³. सो सेम इस तरह सेंटीमीटर क्रॉस सेंटीमीटर क्रॉस सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. सो अब बेटा इसके हम मेजरिंग सिलेंडर पे आते हैं, ये मैंने फिगर बनाई हुई है बेटा. ये मैंने अब टू ऐसा सिलेंडर लिया जो अब टू 100 ml तक एक्यूरेट मेजर करता है, लेकिन मैं सिर्फ इन यहाँ तक 10 से 30 तक का जो स्केल है वो मैंने यानी कि एग्जैक्ट बनाया हुआ है. देखिए बेटा, यहाँ तक जो अगर पानी आ जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा 10 ml को, ये 20 ml को, 30 ml, अप टू 100 ml तक इसमें पानी आ सकता है. ठीक हो गया. अब जो ये एक पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट 1 ml, फिर यहाँ पे आएगा 11 ml, 12 ml, 30 ml. अब बच्चों ये तो इसका पता चल गया कि इसमें पानी मैया कैसे करते हैं. अब इसमें तरीका क्या है, हमने कौन कौन सी जो प्रिकॉशंस हैं उसमें हमने देखनी है. पहली बात बच्चों, मेजरिंग स्टैंडर्ड को जब भी हमें रखना है तो एक फ्लैट सरफेस में रखना है, वो कर्व ना हो, वो यानी कि रफ सरफेस ना हो, बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट सरफेस हो, फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस हो.
और इमेजिन करें कि मैंने इसमें पानी डाला है, तो बेटा पानी कहीं यहाँ पे ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपने अक्सर पानी देखा होगा, पानी की जो शेप होती है ना बेटा, वो कर्व, अगर आप थोड़ा सा साइड से देखेंगे ना ऐसे से, तो आपको ऐसे कर्व शेप आए ऐसे नज़र आएगी थोड़ी सी, ठीक है। ऐसे करके हमने बेटा कर्व पे नहीं देखना, हमने देखना है कि वो वर्टिकली कहाँ पे आता है, यानी कि हमारी जो आई साइड है, अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे हमें वो चीज़ लाइट नज़र आएगी। मैं आई साइड आँखें बना रहा हूँ यहाँ पे, बच्चों जो हमारी आंखें हैं वो सीधा इस पोजीशन में होनी चाहिए, वर्टिकली पोजीशन में हमारी आंखें इसकी होनी चाहिए, तब जाके हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगी। अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाएंगे, नीचे लेके आ जाएंगे, तो बेटा हमारी वो जो चीज़ है, जो इस पॉइंट को कहते हैं वो मेनिस्कस, आई फॉरगेट द एब्रिविएशन, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, हाँ मेनिस्कस, मेनिस्कस हाँ। तो ये यहाँ पे आपने एग्जैक्ट वर्टिकली आपने देखना, ये मेनिस्कस मैंने थोड़ा सा शो करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो जब आप वर्टिकली देखेंगे तो आपकी क्या होगी, मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो पहली बात, उसको आपने सरफेस में रखना है, नॉर्मल सरफेस पे रखना है, रफ ना हो। उसके बाद आपने वर्टिकली देखना है, आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल तौर पर इसका कितना जा रहा है, तो 20 यहाँ तक हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 के, 27 इसकी क्या है, मेजरमेंट है, ठीक है। तो 27 ml, ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट है, ठीक है। ये एक लीटर के हज़ारवें हिस्से तक एक्यूरेट मेजर करता है, यानी कि एक लीटर को अगर हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, एक लीटर को 1 ml आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका लीस्ट काउंट भी क्या है, 1 ml, अप टू विच आ इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली। तो मेजरिंग स्टैंडर्ड 1 ml तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है। अच्छा जी, अगला इसका एक और चीज़ है, पता चल गया ग्लास का बना होता है, इतने यहाँ तक होता है, इररेगुलर शेप ऑफ सॉलिड, जो रेगुलर शेप ऑफ सॉलिड है, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो हमें सिंपल फार्मूलाज पता होती हैं। अब इररेगुलर शेप ऑफ सॉलिड आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जी, मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया इसके अंदर, और पानी मैंने देखा कि 25, इमेजिन कर लें 25 ml तक आता है, यहाँ पे 27 लिखा हुआ, चाहे जो भी 25 ml तक पानी आता है, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कोई स्टोन या कोई भी अननोन जो इररेगुलर शेप बॉडी है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो जब मैं इसको डालूंगा तो मैं नोट करूँगा कि इसका जो लेवल है वो राइज होके इमेजिन करें 30 पे आ जाएगा। तो हमें पहले से बच्चों ये पता है कि 20 ml या 25 ml पानी का था, वॉल्यूम था, और जैसे ही हमने वो चीज़ डाली तो वो कहाँ पे आ गया, 30 ml पे आ गया। तो टोटल क्या था, 30 ml, वाटर का वॉल्यूम कितना था, 25 ml, तो पीछे क्या बचा, 5 ml। तो बेटा 5 ml इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट स्टोन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी भी चीज़ का जो अननोन, जो रेगुलर इररेगुलर शेप है उसका वॉल्यूम भी, इररेगुलर सॉलिड का जो वॉल्यूम भी फाइंड करने में मदद देती है। सो ये बेटा आज का ये था टॉपिक था हमारा, 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हमने यानी कि लेंथ में मेजर किस तरह करते हैं, मास को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, टाइम के लिए, और आखिर में क्या था, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो आपका ये टॉपिक आज ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और होप सो बेटा आपको समझ आ रही होगी। कोई भी क्वारीज हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, मेंशन मी, कोई क्वेश्चन है, कुछ टेस्ट आप सेशन बता कहना चाह रहे हैं कि मैं आपका टेस्ट लूँ, तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।